आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव्विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ करती है। लव्विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हें सजाने के लिए, तुम्हें संवारने के लिए, तुम्हें बेहतर बनाने के लिए, तुम्हें सर्वश्रेष्ठ करने का एक अद्भुत साधन है। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने के एक विद्वत साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आप अपने आप को कंप्लीट कर पाते हो। जब आपके जीवन में प्यार की तकलीफ हो, जब दिल पर दबाव पड़ रहा हो, जब किसी भी रूप में आपके अपने जीवन पर तकलीफ आ रही हो, वो भी लव और प्रेम के आधार पर, तो निश्चित तौर पर मानना कि ये आपकी अपनी वो निजी तकलीफ है जिसका समाधान सिर्फ और सिर्फ लव विद एस्ट्रोलॉजी पे मिल सकता है। जो रिश्ते आसमान में बनते हैं, जो भगवान बनाकर भेजता है, उनकी रिपेयरिंग करना, उनको फिर से वैसा ही क्रिएट करना और तुम्हारे सच्चे प्यार में पूरी सच्चाई के साथ तुम्हारा साथ देने का काम लव विद एस्ट्रोलॉजी पिछले 20 सालों से कर रही है। ये प्लेटफॉर्म आपको अपनी हर समस्या को साझा करने का सीधा समाधान है। जो घरों के अंदर, जो परिवार के अंदर रह करके दब करके, परेशान हो करके, दुखी हो करके आप अपने जीवन को अस्त व्यस्त कर रहे थे, अचानक एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके सामने परमात्मा ने प्रेषित किया है, ईश्वर के द्वारा तुम्हें ऐसा माध्यम मिल गया है, अब तुम खुशहाल हो सकते हो, अब तुम जिंदा हो सकते हो। आज हम कह रहे हैं कि अगर आपके प्रेम में किसी भी तरह की कोई तकलीफ है, अगर आपके रिलेशनशिप में, आपकी पारिवारिक लाइफ में, आपकी दाम्पत्य लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ हो, एक ऐसा तरीका, एक ऐसा टोटका, एक ऐसा उपाय आज बता रहा हूं जो विश्व में कभी फेल नहीं हुआ। इस उपाय के करते ही आपको बेनिफिट मिलता है। देखो, एक बात समझना, अगर आप चाहते हो कि आपका प्यार दिन रात आपका गुणगान करे, अगर आप चाहते हो कि आपका प्रेम आपका ही हो जाए, अगर आप चाहते हो कि दिन रात वो आपके ही ख्वाब देखे, आपको ही चारों तरफ महसूस करे, आपके अलावा उसके जहन में, उसकी बुद्धि में, उसके दिमाग में कोई और आए ही ना, अगर ऐसी इच्छा है, ऐसी मनोकामना, ऐसी किसी भी प्रकार की आपकी मंशा है, तो बस सावधान हो जाइए, आज का दिन आपका है। आज के दिन आपको कुछ बहुत खास नहीं करना। दो ब्रिक चाहिए, दो ईंट चाहिए, ईंट समझते जिससे मकान बनता है, दो ईंटों के प्रयोग से आप अपने प्रेम को एक कर सकते हो, दो जिस्म एक जान बना सकते हो और कंप्लीट अपने प्यार को अपने जीवन में हासिल कर सकते हो। इसके लिए आपको बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम, बहुत कोशिश, बहुत प्रयास नहीं करना। इसके लिए सिर्फ आवश्यकता होगी दो ब्रिक्स की, दो ईंटों की, जिसके माध्यम से, जिसके प्रयोग से आप उसे अपनी तरफ खींच पाएंगे। ये ऐसा खिंचाव और ये ऐसा आकर्षण बढ़ाएगा, ये ऐसा वशीकरण क्रिएट करेगा, ये इस प्रकार का सम्मोहन क्रिएट करेगा कि बस वो आपके ही गुणगान करेंगे 24 घंटे, 24/7 जैसे हम अवेलेबल है, उससे ज्यादा अवेलेबल आपका प्यार आपके लिए होगा। अगर आपको हजारों उपाय करने के बाद, वर्षों प्रयास करने के पश्चात, सब संभव करने के बाद, हर जगह सरदर्द करवाने के बाद, बहुत सारी चीजें कर लेने के बाद भी काम नहीं हुआ है, तो आज ये दो ईंटे आपके अपने जीवन में खुशियां ला सकती हैं। ध्यान से देखते रहिए, अंतिम तक बने रहिए, क्योंकि ये उपाय आपके लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ होगा। इसकी कोई भी चीज अगर आप चूक जाएंगे, अगर जरा सा भी कहीं कुछ रह जाएगा, तो आपको तकलीफ हो सकती है। उपाय सॉल्यूशन सिर्फ इतना है कि आपको श्रद्धा और विश्वास चाहिए पहले पटल पर। देखो, प्रेम ना अंदर की वस्तु है, महसूस करने की चीज है। प्रेम एक ऐसी संवेदना है, संवेदना मतलब ऐसी फीलिंग है जिसको निजी तौर पर समझा जा सकता, दूसरे की नहीं। तो जो बात तुम समझ सकते हो, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी मुसीबत, तुम्हारा दर्द कोई और नहीं समझ सकता, यहां तक कि तुम्हारे अंतरंग अपने लोग भी नहीं समझ सकते, केवल तुम समझ सकते हो। इस बात को समझने के लिए वो दिल चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अपने पास है ना। अपना दर्द, अपनी पीड़ा, अपना संकट, अपनी मुसीबत अपने को ही समझ में आती है।
दूसरा कोई नहीं समझ सकता इस बात को। और बात समझना, तुम्हारी गलतियों का आगाज है तुम्हारे जीवन में ये गड़बड़ होना। तुम्हारे जीवन में अगर कहीं भी किसी भी तौर पर तुम गड़बड़ कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तो निश्चित तौर पर मानना कि ये तुम्हारे अपने जीवन का फल है, ये तुम्हारे जीवन का प्रताप है। जो भी संकट, मुसीबत, तकलीफें आती हैं, उसका सीधा फल आपको मिलता है, सीधा फर्क आपको पड़ता है। आपको जब सुख मिलता है तो वो आपके अपने कर्मों का है, और जब दुख मिलता है तो वो भी आपके कर्मों का है। कर्म सेम है, या तो सत्कर्म है या तो दुष्कर्म है, कर्म तो सेम ही है, कर तो आप कोई कर्म ही रहे हैं। दोनों हाथों से किए हुए काम को जो आप निजी तौर पर, निज जीवन पर करते रहते हो, उसका फल मिलता है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करही सो तस फैलु चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जैसा कर्म करोगे उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम, तुम भोगोगे उसी चीज को। तुम जो भी कर्म कर रहे हो, आज तुम्हारे जीवन में यह संकट आया क्यों भाई, जरा विचार करो, तुम्हें यह तकलीफ क्यों मिली, तुम्हें दर्द हुआ क्यों, तुम्हारा दिल क्यों टूटा, कोई तो बात हुई होगी ऐसी। भगवान के नियम में, प्रणाली में, उनके सिस्टम में, उनकी व्यवस्था में कोई संदेह नहीं किया जा सकता है, तुम्हारा ही किया हुआ कोई कर्म जो तुम्हें पता नहीं है, तुम देखना नहीं चाहते। और एक बात ध्यान समझना, बहुत बार होता है, मेरे साथ तो होता है, मैं तो रोज लोगों को आईना दिखाता हूं, और उस आईने को देख के बहुत लोग डर जाते हैं और ऐसा भयभीत हो जाते हैं कि उन्हें आईना नहीं देखना, बाकी सब करना है। वही कर्म वो कर सकते हैं, पर उसी कर्म पर बात करना पड़े और बताना पड़े, उसको शेयर करना पड़े, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल चीज है। जो चीज तुमने की है, वही चीज अगर कोई तुमको बता रहा है, तुम्हें उस बात का एहसास करा रहा है, तो तुम डरते क्यों हो, परेशान क्यों हो रहे हो, तुमने किया है, सामना करिए उसका। विश्व में सबसे मुश्किल काम है अपनी चीजों को स्वीकार करना जो तुम नहीं कर पाते, करो ना इसको। एक बड़े संत हुए, उनको पूछा गया कि भैया अपने बारे में कुछ कहिए, आप बहुत सारी बातें लिखते रहते हो, तो उन्होंने बहुत सुंदर लाइन कही, बोले मोशम कौन अधम खल कामी, मेरे जैसा कौन होगा अधम खल कामी, जबकि ऐसा था नहीं। उसके बावजूद उन्होंने अपने आप को इतना नीचे गिरा करके बताया, हम और आप तो बहुत नीचे हैं ऑलरेडी, फिर भी अपने आप को इतना नहीं, नहीं हमसे तो कभी गलती हुई नहीं, हमने कुछ गलती किया ही नहीं, यह कहना ही सर्वश्रेष्ठ गलत है। हर पल हर क्षण गलत कर रहे हैं हम लोग, और जब पूछा जाए तो कहते नहीं कभी कोई गलती नहीं की, हमने तो कभी कुछ खराब किया ही नहीं, हमसे तो अच्छा ही नहीं, राजा हरिश्चंद्र और भगवान राम के बाद तो हम ही पैदा हुए सिर्फ, तीसरा कोई नहीं हुआ बीच में। और आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले ले लेते हैं एक वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरु जी, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं गुरु जी, आपको कोटि कोटि नमन। जिस इंसान से मेरा 7 साल से प्रेम संबंध है, उसने अचानक ही मुझसे बात करनी बंद कर दी, और कल 7 माह बाद मेरी उनसे बात हुई। बस गुरु जी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा विवाह उनसे जल्दी से जल्दी हो जाए। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। तो तुम सबसे पहले आत्म प्रशंसक होना बंद करो, अगर तुम प्रेम पाना चाहते हो, और अगर ऐसी कोई भी अव्यवस्थाओं से तुम पीड़ित हो तो तुम बंद भी करना। और आज वो ऐसा सोल्यूशन बता रहे हैं, आज ये सारी की सारी बातें बताने का सीधा मतलब क्या है समझ रहे हो? सीधा मतलब है कि हम चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन से ये चीजें ठीक हो जाए, तुम्हें अगर ऐसी कुछ अव्यवस्थाएं हैं तो वो भी खत्म हो जाए। आपको करना सिर्फ ये है कि आपको चाहिए 2 ब्रिक, 1 पेपर, 1 पेन, और थोड़ी सी स्ट्रीमेंट, या तो कोई ऐसी रस्सी और कपड़ा जिससे आप इसको बांध के एक कर सके, 2 जिसमें एक जान बना सके। अब करना सिर्फ आपको इतना है कि आपको 1 ब्रिक नीचे रखनी है, और हाँ, ब्रिक को पहले धुल के साफ करके, सुरक्षित करके, सुव्यवस्थित करके उसको शुद्ध कर ले। उसके बाद पहले 1 ब्रिक रखे, दूसरी ब्रिक और पहले ब्रिक के बीच में 1 पेपर में अपना और अपने प्रेम का नाम 7 बार लिख दें। किस तरह से लिखेंगे? जैसे पति पत्नी का लिखा जाता है। सपोज करो लड़की का नाम है सरिता, लड़का का नाम है रमेश या रमेश वर्मा, तो आपको क्या लिखना है?
सरिता रमेश वर्मा अगर लड़की लिख रही तो, और लड़का लिख रहा है तो, लड़का अगर लिख रहा है तो लिखेगा रमेश सरिता वर्मा, अपना नाम आगे फिर बीच में पार्टनर का और लास्ट में सरनेम। सरनेम हमेशा पुरुषों का लगता है, तो लड़की लिखे तो भी पुरुष का सरनेम लगाए और लड़का लिखे तब भी अपना सरनेम लगाए, उसको अपनी पत्नी माने, लड़की अपना पति माने। ऐसा करके जब आप लिखोगे 7 बार, उसको परफ्यूम लगा के, सेंट लगा करके दोनों ईंटों के बीच में रखिएगा और उसको बंद कर दीजिएगा। अच्छा तरीका तो ये होगा कि आप उसे सीमेंट लगा के पूरा एक बना दें, उसको बिल्कुल ज्वाइंट कर दें और सूखने दें उसको। जब सूख जाए तो कहीं भी धर्मस्थल में लगवा दें या कहीं भी जलाशय में रखवा दें, नदी इत्यादि के किनारे। जितना जितना उस पर पानी बढ़ता जाएगा, वो शैतल्यता बढ़ती रहेगी, उतना तुम्हारा प्रेम बढ़ेगा और धर्मस्थल पर जितना पूजा पाठ हो रहा होगा उसका फल आपको मिलेगा। तुम्हारे जितने भी दुष्कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, जिन वजहों से तुम्हारी लाइफ में खराब चीजें आ रही हैं, वो सब समाप्त होने लग जाएंगी। ये काम आप शुक्रवार, शनिवार या बुधवार के दिन कर सकते हो, इसका टाइम कोई भी हो सकता है। खूब मन से करना, खूब श्रद्धा और विश्वास से करना। खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, तुम्हारे जीवन में कभी कोई तकलीफ ना आने पाए, हर तरफ से तुम्हें प्रसन्नता, आनंद, वैभव, संपत्ति और खुशहाली मिले, तुम्हारा लाइफ पूरी तरह से बेहतर हो जाए, भगवान शिव तुम्हें खूब प्रसन्न करें। ओम नमः शिवाय।